हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तुला राशि के लिए मैं 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक के लिए रीडिंग लेकर आई हूं। दोस्तों, ये वीक त्योहारों का वीक है। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपने खर्च पर कंट्रोल रखना है, आपके घर गेस्ट आते हैं या आपके वर्क प्लेस पर, आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब मैं टैरट का रीडिंग में आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, आप अपने नाम से तुला राशि हैं या जन्म कुंडली से तुला राशि हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, आपके फ्रेंड्स को भी ज़रूरत हो सकती है। खासकर तुला राशि वाले दोस्तों के साथ ये रीडिंग आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं टैरट कार्ड्स आपके लिए क्या रीडिंग लेकर आए हैं। वी आर द वर्ल्ड। पास्ट में आप यही सोच रहे थे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता है इस दुनिया में। पर इस वीक में आपके सामने कुछ ऐसी सच्चाइयाँ सामने आई हैं जो कि आपको अचानक आप जिससे हैरान रह गए। कुछ ऐसी सच्चाइयाँ आपके सामने आई हैं जिनको देखकर आप हैरान रह गए हो। दोस्तों, आपके अंदर एक जो फीलिंग है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है आपका। वी आर द वर्ल्ड जो कार्ड है, इट इज़ शोइंग दैट आपके आप में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, और उसी एटीट्यूड के चलते आपको लगता है मेरे बिना किसी का काम चलने वाला नहीं है। इसी रीज़न से आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपके अगेंस्ट हो जाते हैं। आपके आसपास जो भी हो रहा है आपने एटीट्यूड के कारण, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस कारण कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपके सामने कोई भी चीज़ अचानक से प्रकट हो जाती है, आपको लगता है अरे ये क्या हो गया, जबकि वो आपके आसपास ही हो रहा था। आपके एटीट्यूड के कारण आप उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे सके, आप उसकी तरफ नज़र नहीं घुमा सके, तभी आपके लिए एक अचानक वो प्रकट हो गया और आपको लगने लगा कि अब मैं क्या करूं। तो और इन सब चीज़ों के चलते हुए, एक तो आप क्या है ना, माइजर है। माइजर ऑलवेज डज नॉट मीन दैट यू डोंट स्पेंड मनी, यू आर माइजर इन कनेक्टिंग विद द पीपल। आप किसी को भी थैंक्स कहने में कंजूसी दिखाते हैं, किसी को सॉरी कहने में कंजूसी दिखाते हैं। आप यदि आपको कहीं गलती हो जाती है आप सॉरी नहीं बोलते हैं, कोई आपका काम करके देता है आप थैंक्स नहीं बोलते हैं। सो यू आर माइजर इन यूट, आप अपना एटीट्यूड छोड़ देते हैं, अपना घमंड छोड़ देते हैं, अपना गुस्सा छोड़ देते हैं, तो आपके जो नियर रिलेशंस हैं वो भी अच्छे रहेंगे। आपके आसपास कोई मौका आया है, आपको अवेल करना है, आपको कोई अवसर प्राप्त हो रहा है, कोई चांस आपको मिल रहा है, वो भी आपको पता लग जाएगा। ओनली आप थोड़ा सा किसी भी चीज़ को रिसीव कीजिए, किसी भी आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसको रिसीव करने की यदि आप कोशिश भी करते हैं तो भी आपको सक्सेस देखते हैं कि आप को आगे क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि आपको सक्सेस मिलती रहे। तुला राशि, आपका जो नेक्स्ट कार्ड्स निकल रहे हैं वो हैं फाइटिंग। तुला राशि, जब भी आप कभी ऐसा आप सारे तरफ ध्यान नहीं दे पाते, आपसे कोई कुछ कहता है तो आपको इतना गुस्सा चढ़ जाता है कि आप लड़ाई पर उतर आते हैं, तो आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि लड़ाई झगड़े से दूर रहिए, जो काम करना है उसमें पूरा मनोयोग से कीजिए, पूरा मन लगाइए, पूरी इंटेंसिटी से कीजिए। पास्ट में जो भी आपने गलतियां कर दी हैं उन गलतियों से बाहर निकलिए, अपने आप को फिर से रिसाइकल कीजिए, सोचिए कि आपको क्या गलतियां आपने कर दी हैं और उनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज एक्सपीरियंसिंग, आप जो कुछ भी आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आपके पास्ट में आपने जो कुछ भी अपने एटीट्यूड के कारण, गुस्से के कारण, या इन योर कम्युनिकेशन में आपने जो कंजूसी बरती है उसके कारण, आपके जो पिछले एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे, बिकॉज आपने पास्ट में जो भी आपका एग्रेशंस रहा है आप उसके कारण जो अब प्रॉब्लम झेल रहे हैं तो वो आपको अब परेशान ना करें। उसके लिए आपको प्लान वे में आगे बढ़ना होगा,
कोई भी आपके पास ऐसी कोई आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी से आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो चुपचाप पहले उनकी बात सुन लीजिए। जो कोई भी आपसे आर्ग्यू कर रहा है, लिसन टू द पर्सन, मे बी द पर्सन मस्ट बी मोर एक्सपीरियंस देन यू। हो सकता है वो बंदा आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड हो, तो आपको इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, लड़ाई करने की बजाय, लिसन टू द पर्सन, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं इसको सुनिए। उसके आधार पर आप आगे आने वाले अपने डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। अपने रिलेशंस को आपको संभाल कर रखना होगा, फ्रेंड्स के साथ हो, पार्टनर हो, फैमिली रिलेशंस हो, और आपको अपनी फाइटिंग इच को दूर रखना होगा। बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से अपने रिलेशंस के साथ आपको बिहेव करना होगा, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो कहीं भी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड बाय द एंड ऑफ द वीक। नॉट ओनली दैट यू पे अटेंशन टूवर्ड्स योर फैमिली रिलेशंस, आप यदि जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, तो आपके वो वाले रिलेशंस को भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। आपको यू विल गेट व्हाट्सो एवर यू वांट, आपने अभी तक जो सोचा है पाने के लिए वो सब आपको मिल जाएगा। हो सकता है कुछ ऐसा भी आपको मिल जाए जो आपने सोचा नहीं, बिकॉज ऑफ योर गुड बिहेवियर, आपने अच्छा व्यवहार किया तो आपके साथ ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, आपका जो लकी नंबर आ रहा है वो है 1, 1 नंबर होता है सन का, लकी कलर आपका आ रहा है गोल्डन। बाय।